बात नहीं थी, तुम बता चढ़ा देते यहाँ से। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो उम्मीद है आप ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। ऐसे मेरा पूछ रहे होंगे कि कैसा है, मैं भी ठीक हूँ। और काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है क्योंकि टाइम नहीं मिलता, देखो रमज़ान था, दूसरा फिर दिल ही नहीं करता यार बनाने का व्लॉग। अब आप लोगों की रिक्वेस्ट पर भी हम वापस आए हैं व्लॉगिंग लाइफ पे। तो अभी चलते हैं यूनिवर्सिटी क्लासेस हैं, ये देखो सारे रेडी हो चुके हैं। घर के रहा देख लें आप, फुल गंद है, फुल 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 टाइम, फुल टाइम खराब हो पड़ा है। और ये हमारे भाई रेडी हो खड़े हैं यूनिवर्सिटी के लिए। तो एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है ठीक है, दिखाता हूँ। ये देखिए ये भाई के, देखिए सेम ये देखे। मैंने इसे बोला एक ले लो पट्टा ले लो, फिर उसमें इसके वो भी बांध लो साथ, इतनी मोटी चेन पहन के ताकि थोड़ा नहीं चीप नहीं, लोग देखेंगे बताएंगे किस तरह लगती है ये। बस इसे इसमें एक पट्टे की कमी है, पट्टे की। यार अभी सीक्रेट डिस्कशन चल रही है हमारी, पहले डिस्कशन थी कार लेते यहाँ पे ना, तो उसकी औकात नहीं थी, फिर हमने सोचा जहाज़ लेते, जहाज़ थोड़ी बड़ी चीज़ रहती है ना, बड़ी चीज़ चाहिए जहाज़, प्राइवेट जेट। हाँ अपने प्राइवेट जेट रहते हैं और यहीं पर रनवे पे चढ़ाएंगे, सही है तल्ला के रनवे पे। यही हम परचेज कर रहे हैं ना, प्राइवेट अपना ऑन कर रहे हैं, यही वाला रोड, ये वाला रोड परचेज कर रहे हैं। हाँ अपना अपने लिए अपना ऑन कर रहे हैं ना, इसको इधर ही चलाएंगे, इधर ही पहुँच गए यूनिवर्सिटी। और ये लोग इधर चले गए इस क्लास में, इनकी ये क्लास छोटे बच्चे हैं, इनकी क्लास ही है, और मेरी क्लास हो गई इधर। ये है मेरी क्लास, ये मेरी क्लास है, ये वाली। चलो पढ़ते हैं क्लास में। चलिए जी अभी मेरी क्लास होगी एंड, और अभी बच्चों की क्लास चल रही है इधर इनकी, अब इनका इंतज़ार करते हैं और फिर शायद निकलते हैं यहाँ से। गाइस मैं अब आया था यहाँ पे, मेरी कोई क्लास नहीं थी, मेरी क्लास बिल्कुल नहीं थी, मैं आया था किसी क्लास लेने। अब उसने वादा किया मेरे लिए कुछ लाएगा पाकिस्तान से, ना गया पाकिस्तान, तो बेहतर ये है कि अपना मतलब जो जो चीज़ लानी है पहले बता दे मुझे, वरना मैं उसका नाम ना रिवील कर दूँगा, नीचे कमेंट्स में रिवील कर दूँगा, ठीक है। बेहतर है कि आप मेरे लिए कोई अच्छी सी कोई तोहफ़ा वगैरह पाकिस्तान से लाएँ, बनता है ना तोहफा? बनता है। उसकी मैंने पूरी दो अटेंडेंस करवाई है, उसकी याद भी करवाई है, पहले भी करवाई है। जो अब क्लासेस हो गई हैं मेरी तो नहीं हुई, लेकिन इनकी होगी, इनकी मैं इनकी क्लास ले रहा था ना, मेरी सिर्फ अभी एक हुई है और मेरी अब 2 बजे का और है, अब वो लूँगा फिर अफ्तारी के टाइम फारिग होऊंगा, ठीक है ना। अब वो लेते हैं क्लास। ये देखें अभी मैं हूँ, पता करना ना प्रैक्टिकल क्लास का लैब का, तो अभी उन्होंने बताया कि प्रैक्टिकल क्लास भी है आज, तो वो भी लेनी पड़ेगी। इधर होगी प्रैक्टिकल क्लास और ये पूरी बिल्डिंग है, एनाटॉमी वगैरह सारी आप देख सकते हैं, सारा कुछ पढ़ा इधर और बहुत कुछ पढ़ा है सारा कुछ। और अभी मेरी एक और क्लास है वो भी लेनी है, वो है 2 से 5, ठीक है 3 घंटे की कॉन्टीन्यूस, और उसके बाद मेरी है 1 घंटे की और क्लास है प्रैक्टिकल क्लास, 6 बजे, 6 बजे टाइम होता है इफ्तारी का, फिर हमारी छुट्टी होनी है। टफ लाइफ है, पहले मैंने दूसरी क्लासेस ली हैं, अब थक गया हूँ, क्योंकि फारिग था ना, घर जाने का दिल नहीं था वापस जाने का, और कहता ही क्या हमें जाके, लेकिन अब थक गया हूँ, अब रोज़ा भी लग रहा है थोड़ा बड़ा, अब हूँ भी अकेला और कोई नहीं है मेरे साथ अभी फ़िलहाल, क्योंकि सारे पाकिस्तान गए हुए हैं, तो क्लासेस ले रहा हूँ बस, कुछ कुछ बच्चे हुए हैं बस, अभी फ़िलहाल अकेला हूँ, बाकी आ जाएंगे थोड़ी देर तक, अभी अकेला हूँ। लो जी अनाटमी का प्रैक्टिकल मैंने कैंसिल करवा दिया, क्योंकि बाकी सारे थे पाकिस्तान में, अकेला था मेरे ग्रुप में, तो फिर मैंने कहा मैं अकेला हूँ तो कैसे फिर क्लास होगी, तो उन्होंने कहा ठीक है
फिर जाओ कैंसिल है। मैंने कहा सुबह और ग्रुप के साथ ले लेना क्लास। मैंने कहा ओके अब चलते हैं घर वापस, बहुत थक गया हूँ यार बहुत। मैं आपको बाहर के मनाजर दिखाऊँ, खूबसूरत मनाजिर आपको है ही नहीं यूनिवर्सिटी खाली चुकी ना, क्योंकि अभी बच्चे ज़्यादा आए नहीं है, इंटरनेशनल बहुत कम है, पाकिस्तानी सारे घर गए हुए हैं और हम लोग भी बस ईरान भी कम है, अभी ईद के बाद सारे आएंगे क्योंकि छुट्टियाँ ख़त्म हो गई थी ना, छुट्टियाँ हुई थी फिर ख़त्म हो गई तीन चार, इसीलिए अब हम अकेले घूम रहे हैं यूनिवर्सिटी में। बाकी मनाजर देखें प्यारे प्यारे बादल बने हुए हैं, ये देखिए यूनिवर्सिटी का जंगल है, जंगल तो नहीं वैसे अंदर खूबसूरती के लिए। ये अभी रमज़ान चल रहा है रमज़ान, तो उसके लिए अभी बंद है ये कैंटीन वगैरह सारी, ये छोटी कैंटीन है बड़ी और साइड पे, लेकिन सारी बंद है रमज़ान की वजह से। लेकिन आप बाहर देखेंगे तो आपको बाहर मतलब कोई रमज़ान का एहतराम नहीं मिलेगा यहाँ पे ईरान में कहीं पे भी, मतलब लोग ऐसे खुलेआम क्लास में खा रहे होते हैं बच्चे, मतलब इधर से ये तो बंद होती है कैंटीन बाहर से लेके आते हैं, क्योंकि यहाँ पे रोज़े इतने कोई क्यों रखता है यहाँ पे, हमारे जिस तरह पाकिस्तान या इंडिया में होता है ना उस तरह यहाँ पे वाला सीन नहीं है कि सारे रोज़े रखते हैं, यहाँ पे बस कोई कोई रखता है, वो भी बुज़ुर्ग बुज़ुर्ग रखते हैं बस। बाकी यहाँ पे बाहर आम तौर पे हर चीज़ खुली होती है, हर चीज़ बाहर सड़कों में खा रहा होता है, बोल तो इस्लामी है लेकिन ये चीज़ नहीं है यहाँ पर। अब जिस तरह अल्लाह को पता है, अब हमें तो नहीं इसका नहीं आइडिया, हम बड़े जानते हैं अब क्या ठीक है क्या गलत है। बाकी ये देखें कुत्ते फिर रहे हैं इधर, यूनिवर्सिटी के स्पेशल कुत्ते हैं, रखवाली करते हैं ये, और भी बहुत सारे लोग होते हैं, लोग नहीं सॉरी कुत्ते होते हैं। चलें जी बस अब वापसी भी आ गया, मैं बहुत थक गया बहुत ज़्यादा ठीक है ना, और अब अफ्तारी करते हैं थोड़ी देर, थोड़ा टाइम होने वाला है घंटा रहेगी अफ्तारी में, तो फिर उसके बाद फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ज़रूर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, कोई क्वेश्चन पूछना तो वहाँ पे आप कर सकते हैं फॉलो करके, लेकिन पहले फॉलो किया करें आप इंस्टाग्राम पे, उसके बाद फिर आप मैसेज किया करें, इसका जवाब दूंगा वरना नहीं दूंगा। ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।